मेरा नाम पार्थ सारथी मांझी है। मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्रशिक्षित बीएससी गणित प्रतिष्ठा विद बीएड है। मेरा पदस्थापन जिस जिले में हुआ है का नाम पूर्वी सिंहभूम है, जो कि झाड़ जंगल से परिपूर्ण है और जो झारखंड के शाब्दिक अखाड़ों के खंड को चरितार्थ करता है। मैं वर्तमान में जिस विद्यालय में पदस्थापित हूँ उसका नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बारेडी, जो कि डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं उस विद्यालय का प्रधान शिक्षक हूँ। वर्तमान में मेरे विद्यालय में कुल 126 बच्चे अध्ययनरत हैं। विद्यालय में वर्ग प्रथम से अष्टम तक की कक्षाएं वर्तमान में संचालित हैं और सभी विद्यार्थी अत्यंत ही गरीब और आदिवासी बहुल परिवेश से बिलोंग करते हैं। मैंने अपने विद्यालय में सबसे बड़ी चुनौती कहिए या समस्या कहिए के रूप में यह पाया कि विद्यार्थियों में उपस्थिति दर में कमी मिली और पढ़ाई के प्रति रुचि की कमी मेरे विद्यालय की एक मुख्य समस्या रही। और जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि मैं बिना पैसा खर्च किए शून्य नवाचार के माध्यम से इस प्रकार इस चुनौतियों को सुधार कर सकता हूँ। और इसके लिए मैं तहे दिल से अमित जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया इस प्रकार हम बेहतर तरीके से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इसी बीच हमें ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके के ढंग तरीकों का जानकारी प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख रहा ब्लूम टैक्सोनॉमी का 6 स्किल्स में रिमेम्बर पहला रहा हो गया, अंडरस्टैंडिंग तीसरा हो गया, एप्लीकेशन चौथा, एनालिसिस पांचवा हो गया, अल्वेट और छठा हो गया क्रिएटिविटी। यानी यदि हम बच्चों में इन 6 स्किल्स का प्रयोग करें तो हम बच्चों को बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में अमित जी का बहुत ही सराहनीय सहयोग मिला। मैं उसको एक बार पुनः उन्हें कार्य के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने समस्या समाधान इस प्रकार किया, उपस्थिति दर को बढ़ाने के लिए और पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए मैंने निरंतर न केवल अभिभावकों से बल्कि समाज के उन अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क साधा जो पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करने हेतु मेरे लिए कारगर साबित हुए और उनके अनुभव को मैंने क्रियान्वित करने का प्रयास किया। के सुझाव को इस प्रकार मैंने शून्य नवाचार की विधि से खेल विधि से व्यापक प्रयोग किया, जिससे बच्चे एक स्वतंत्र वातावरण में बिना किसी अंकुश से बच्चों को अपने अवेलेबल संसाधन के प्रयोग द्वारा उनके मौका दिया और उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए वे बेहतर ढंग से इस पर रुचि लिए और वर्तमान में इस समस्या से हमको निजात मिला है। यह एक रोल मॉडल स्कूल इसलिए होना चाहिए क्योंकि बच्चे को हमारे विद्यालय में एक स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होता है और बच्चे सही ढंग से बेहतर ढंग से अपने विचारों को रख पाते हैं, झिझक महसूस नहीं करते हैं। इन्हीं सब कारणों से मेरे विद्यालय को रोल मॉडल का दर्जा मिलना चाहिए। जी धन्यवाद।